किशोरी ने आत्महत्या की, क्या है पूरा मामला? एक युवती ने, ये सुबह सूचना आई थी कि युवती ने जो है अपने कमरे में लटक के फांसी लगा के उसने आत्महत्या कर लिया, और इसका पीएम कराया जा रहा है। और बाकी जो उनके घर वालों ने इत्तफाकिया, उन्होंने कहा आकस्मिक तौर पे ये घटना हुई है और इस तरह की तहरीर दी है। बाकी उसमें एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उन सब तथ्यों पे विचार पुलिस जांच कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता का कहना है कि शोधियों से परेशान कर रहे, इस संबंध में 23 तारीख को उन्होंने एक कोतवाली में एक तहरीर भी दी थी, इस पर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ऐसा अभी कोई चीज़ संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि एक सुसाइड नोट उसने लिखा हुआ है लड़की ने, और उसने किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उन सब तथ्यों पे विचार हो रहा है। जो भी इसमें बात निकल के आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, किसका नाम लिखा है, कौन सा नाम है, क्या निकल के आया? अब ये चूंकि विवेचना का विषय है और ये पब्लिक डोमेन में आना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उसमें एक सुसाइड नोट है, और सुसाइड नोट है उसके आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। दो ढाई महीना पहले तारीख दिया गया था वहाँ कोतवाली में, पुलिस चौकी पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और जो भतीजे को बता रहे हैं कि पागल है, ये बार बार तहरीर देता है, इधर देता है उधर देता है, उसको पागल घोषित कर रहे हैं लोग, लेकिन वो है नहीं पागल। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज क्या हुआ? कोई आज तो कई लोग आए थे, अपना मौके पर मुआयना किया, अपना देखे सब कुछ, अब आगे क्या होता है तो कोर्ट फैसला करेगी जैसा होगा। नहीं मतलब आप लोगों ने क्या घर पे देखा कि लड़की ने कैसे आत्महत्या? लड़की को हमको मालूम ही नहीं पड़ा कब किया, क्योंकि तो गेट बंद हुआ, गेट बंद हो गया था, उसके बाद आवाज़ लगाया था कई बार, लेकिन उसके बाद कोई सुना नहीं उसने। जब वो था ही नहीं तब क्या हुआ था, उसके बाद में फोन नंबर डाल गया था, उसके बाद फिर जब पुलिस वहाँ से पहुँची वहाँ पर, उसके बाद तब गेट तोड़वाया गया, तो उसके बाद लास्ट तब अंदर देखा गया लटकी हुई है दीवार से। तो क्या वजह मानते हैं कि लड़की ने क्यों आत्महत्या की होगी? अब इसके बाद तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर भी जैसे परेशान कर, अब वो जो मतलब मोलिक लड़का है, एक नाम है बाबू नाम उसका, वो लड़का परेशान कर रहा था। और इसकी शिकायत आपने पुलिस को की थी? जी जी, इसके बारे में शिकायत की थी वहाँ पर, हमारे भाई ने किया था। अभी क्या मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब फैसला हो जो उचित हो, जो सही है, वाकई जो पहले एप्लीकेशन दिया गया था उस पर कार्रवाई की जाए, हम ये चाहते हैं।